जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर बचाई मजदूर की जान। 32 घंटों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। तामी पिपरिया रोड पर भीषण सड़क हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 घायल, गंभीर रूप से घायल आज जिला अस्पताल लाए गए। डीजीपी वीके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की पुलिस अधिकारियों से चर्चा, समीक्षा का दिए निर्देश। और गलत बिजली बिलों में हो सकेगा सुधार, मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार समाधान शिविरों के आयोजन का क्रम प्रारंभ। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब खबरें विस्तार से। कुएं में काम के दौरान गिरकर मलबे के नीचे दबे मजदूर को जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। जिंदगी और मौत के बीच घंटों चली जंग में आखिर सुभाष की जिंदगी की जीत हुई। यह रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे 32 घंटों तक चला। आगे मत जाओ, आगे भैया। अच्छा ठीक हो जाएंगे, लगा दिया ना इंजेक्शन उसको, टर्निकेट भी कर दिया। भोपाल से आए आरबीआई अधिकारी एके द्विवेदी की अध्यक्षता में आज जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर निर्णय लिए गए। आरबीआई अधिकारी एके द्विवेदी ने बैंकर से चर्चा कर पेश आ रही दिक्कतें जानी और समाधानों के लिए उपाय भी बताए। चालू है और इसमें SC ST और महिला जनरल और OBC के लिए 25% सब्सिडी का इसमें है।
और चौथी जो स्कीम है वो एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम, ये इसमें सामान्य वर्ग के लिए 36% सब्सिडी है और एससी एसटी वर्ग के लिए 44% सब्सिडी है ना। तो ये जो चार स्कीम है ये अभी इस वित्तीय वर्ष 2019-20 में जारी रहेगी। इस स्कीम के अंतर्गत सब्सिडी के लिए जो प्रक्रिया है वो इस तरह से है कि हितग्राही बैंक में आकर इस स्कीम के अंतर्गत मुझे लोन चाहिए अपना एप्लीकेशन देगा, नाबार्ड से या किसी डिपार्टमेंट से कोई रिकमेंडेशन या केस प्रिपरेशन नहीं होता है, ये केंद्र सरकार की योजना है। और इसमें लोन सैंक्शन करने के बाद बैंक को अपना जो बैंक शाखा है, बैंक शाखा अपने कंट्रोलिंग ऑफिस के थ्रू या रीजनल ऑफिस के थ्रू ये सब्सिडी का क्लेम नाबार्ड रीजनल ऑफिस भोपाल को प्रेषित करेगा। इसमें डीईडीएस और जो नेशनल लाइवस्टॉक मिशन का जो पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड है, ये दोनों योजना में सब्सिडी ऑनलाइन सबमिट करनी है। नाबार्ड का जो पोर्टल है पेंशन पोर्टल, उसमें आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और बाकी जो दोनों स्कीम्स हैं उसमें आपको फिजिकल जो है वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिस के थ्रू नाबार्ड को भेजना है। अगर बैंक ब्रांच सीधे नाबार्ड रीजनल ऑफिस भोपाल को कोई क्लेम भेजती है तो वो शायद मैंडेटरी नहीं होगा, कंट्रोलिंग ऑफिस का रिकमेंडेशन उसमें जरूरी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वीके सिंह ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से समीक्षा चर्चा की और संवेदनशील एक्टिव पुलिसिंग के लिए निर्देशित भी किया। हम लोग ने प्रकरण कायम किए जो अभी रिपोर्ट कर पाए, इतना वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कि इसको हम लोग कैसे डील करना है। समय समय पर अभी करीब 750 थानों में सीसीटीवी लगाए गए और वो सीसीटीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसकी एसओपी आप लोगों ने बना दी है, उसका रिकॉर्डिंग रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। सीसीटीवी हमारे लिए बड़ा सेविंग रेस है, कई बार फैक्चुअल चीज आपके पास बड़ी हेल्पफुल हमारे पास मिल जाती है, उस चीज को जरूर देखना। अगर आपको उसमें प्रॉब्लम्स हैं, फंड्स हैं, ऐसी जनरल सीधे फंड्स मांगे जो संचार से प्रोविजन है जैसा भी हो, हर जगह आपका सीसीटीवी जो आपकी इंटरनल पुलिस मुख्यालय ने ये चीज इतनी फैसिलिटीज आपकी बना के दी हुई है और जो वो स्पॉट पे सिचुएशन संभाल रही है, जो आपका थाना रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है वो पीछे कॉल किया बट डायरेक्ट आने पे लाके छोड़ता तो आने के बाद रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है। बैठे एक एक उपाय वाले पास पर क्यों खड़े हो रहे हो? नेक्स्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा मैं, कई बार अभी देखे गए हैं कुछ प्रकरणों में विद्युत उपभोक्ताओं की गलत बिल संबंधी समस्या के समाधान के लिए आज से समाधान शिविरों का क्रम प्रारंभ हुआ। पुराना पावर हाउस में आज लगाया गया समाधान शिविर कई उपभोक्ताओं के लिए राहत बना। लेकिन मेन स्विच ऑन करके पूरे घर की बटन बंद कर दिया, ये ना जीरो बल्ब भी नहीं जल रहा है। अभी टेस्टिंग हो रहा है, हमारी खाली है। सर आ जाओ, तुम आ जाओ सर, इसको बोले आप चेक करवाओगे? चले जाओगे सर? एक्सेप्ट नहीं होगा ना, आप खुला चला के मतलब परफेक्ट एक्सेप्ट नहीं होगा ना, मतलब होता है मेरे भाई साहब मेरे खाते से हमारे बिल भी लेके जाएंगे तो हाथ से हम नहीं लेगा। अब ये आ रहा 27 पहुंच रहा है आपके पास, मैं सर 50 रुपए पटा दे 27 से पहुंच पटा दे। हां ठीक है, ओके, ये इसमें अपन क्या करेंगे? होगा भी रिपोर्ट जैसे कि जो है इससे बदल जाएगा सर। हां कर दो, इसी लाल कमा डाल रहा है ना, तुम्हारा भी समिति में ले ले यार। समिति जो नहीं चेक करने आए थे हम लोग बोले अगर सही निकला बोले तो सही कह दिए तो आपके 1500 रुपए लगेंगे बोले आप। हां देंगे आप नंबर है कि नहीं सर? ये क्या हमारा पैसा देंगे बोला ये लो पैसा हुआ है किस्त हमारे हम तो पहले दूसरा करें तो आप कर सर आप इतना कैसे सर कितना आपका जमा कर अरे सुनो मैं कल पटाओ हां परसों पटाओ जिस दिन तुम पटाओ साहब वाली वाले को बैठ के हमारा रसीद लाके दिखाना तुरंत सब हो जाएंगे। अब आपके ऊपर कल पटाओ कि परसों पटाओ माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के मनसा अनुरूप
हर विद्युत मंडल में विभागों में विभागवार हर मंगलवार को जन समस्या की सुनवाई होती है, जिसमें कि जो बिल की शिकायतें आती हैं, मीटर से रिलेटेड जो शिकायतें रहती हैं, उनमें सुनवाई करके उनका निराकरण किया जाता है। तो आज जो यह शिविर लगा, ये उसी हिसाब से लगा हुआ है, और हर मंगलवार को पुराना पावर हाउस छोटी बाजार और चंदन गाँव पावर हाउस में लगता है। और लोगों से मेरी मुख्यमंत्री जी की तरफ से अपील है कि हर आदमी अपनी समस्या को लेकर जाए और वहाँ बिजली से संबंधित निराकरण का समाधान करके वापस आए। एमडी स्वास्थ्य विभाग छवि भारद्वाज ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दस्तक अभियान की समीक्षा की और सफल क्रियान्वयन के लिए तरीके भी बताए। 2,40,000, 1,20,000 और 60,000 रुपए के जो विभाजित होगा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला एमएनडी अधिकारी एवं जिला कम्युनिटी मोबिलाइजर के मध्य में समान रूप से विभाजित होगा। ये थे वो आपको बहुत अधिक लग रहे थे, फिर हम लोगों ने अपने एस्टिमेट्स रिवाइज किए हैं और ये रिवीजन जो हमने किया है सेंसस 2011 के आधार पर किया है, और जो टेक्निकल ग्रुप है पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस का नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसके आधार पे हमने स्टेबिलाइज किया है। वो जिला स्तरीय जो प्रिवलेंस स्तर है जो NFHS 4 में प्रतिवेदित है उसके अनुसार है और आपको चिन्हांकित। तामिया पिपरिया रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुए इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं। ट्रैक्टर पलट गया। कितने लोग थे उसमें और कहाँ जा रहे थे बेटा? ये 11 गंगा पूजा थी, वहाँ पे जा रहे थे। काय से जा रहे थे? ट्रैक्टर। कहाँ से? दोरी खेड़ा से बादला। बादला कैसे हुआ ये हादसा? जे बंद कर लाया होगा उसमें तो एकदम से पलटा है। कार्यक्रम पूरी कर। कितने लोग घायल हुए हैं उसमें? 15 लोग घायल हो गए, बाकी तो ठीक है। और उसमें कितने लोग सवार थे बेटा? ऐसे रहते हैं 20-25। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज भी जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए डीएम कोर्ट में जन सुनवाई की गई। एडीएम राजेश साही ने प्रस्तुत आवेदनों पर सुनवाई कर निराकरण हेतु संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया। खबरों के सत्तार को राम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल।
श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमें शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमें फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, तब पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा अपने घर जैसे माहौल के बीच। लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नव निर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णता वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साई मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धोनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और आगे बढ़ते हैं खबरों में। सिवनी प्राण मूर्ति से कुछ अजीब सी समस्या सामने आई है। विगत दिनों क्षेत्र से अतिक्रमण हटाए गए थे। अतिक्रमण हटाए जाने से बेघर हुए लोगों का कहना है कि उस जगह से उन्हें हटाकर दूसरों को बसाया जा रहा है। ज्ञापन के जरिए मांग ये की गई है कि इनके अतिक्रमण ही क्या बुरे थे, इन्हें ही रहने दिया जाए। हमारे गांव सुनी प्राण मूर्ति वार्ड नंबर 16 में इनके जो मकान थे गांव की जनता के, वो तोड़ दिया गया है और वहां पे चूना भट्टे के निवासी को बसा रहे हैं। जिन को बसाया जा रहा है वो सारे लोग चोर हैं, दुनिया भर के दमखल करते हैं, कौन बचाएगा गांव को। इनके मकान तोड़ दिया गया तो पहले प्राथमिक इनको मकान दिया जाए, उसके बाद बाहरी व्यक्ति को वहाँ बसाया जाए। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इनकी मांगें पूरी की जाए और तत्काल वहाँ काम जो चल रहा है उसको तत्काल रोका जाए, और तो भारी आंदोलन होगा। इसके बाद वो पूरा गांव बहुत ज्यादा आक्रोश में, जन आक्रोश है। वो तो हमने भी समझाया सुबह, है ना, कॉलोनी में नहीं, आबादी जगह है, वो गरीब लोग के मकान है, इनके ही मकान के मकान तोड़ दिया गया अभी 2 महीने पहले, और वहाँ पे उन लोग को बसाया जा रहा। और पहले किस बात से तोड़े, यहाँ पार्क बनाया जाएगा निगम द्वारा, गार्डन बनाया जाएगा, वो बहाने से तोड़ दिए और अब इनको वहाँ बसाया जा रहा। तत्काल इनको हटाना चाहिए, वहाँ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर माल धक्का नया रैक पॉइंट की निवासी फिरोजा बानो और महिलाओं ने प्रशासन से शिकायत की है कि उनके घर तोड़े जाने और जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
ये वार्ड नंबर 20 का मामला है, नया रैक पॉइंट का, और 20 साल से हम लोग निवास कर रहे हैं वहाँ पे, और टैक्स भी कट रहा है वहाँ का, बिजली बिल लगी हुई है, सरकारी नल लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था है वहाँ पे। वहाँ के कुछ दबंग लोग हैं जो इन लोग को प्रेशर बना रहे हैं कि वहाँ से खाली कर दो, जेबीसी मशीन उन लोग ने लेके आए, और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे सब, जो आए दिन विवाद करता है वहाँ से खाली करो खाली करो, बहुत प्रताड़ित करके रखा है, जीने जीना हराम कर दिया है लोगों का। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब के पास निवेदन लेके आए हैं, इसकी शिकायत है, इस आपको करवाएंगे। ये पहली बार हम लोग यहाँ शिकायत लेके आए हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। ACC द्वारा आर्थिक जातिगत जनगणना सूची 2011 में नाम न होने से ग्राम पंचायत लेंदा गोंदी के गायखुरी और मोर गोंदी के गरीब प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है। ग्राम वासियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी हैं। की सर्वे हुआ घर 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 का, तो उस सर्वे में हमारे गाय खुले और मोर गोंदी का नाम नहीं आया। कैसा सर्वे था? ये प्रधानमंत्री आवास योजना का। उसके बाद ये पिछले साल फिर सर्वे किया, उसके बाद भी नाम नहीं आया। तो हमारे दोनों गांव गाय खुले और मोर गोंदी पूरी छूटे, एक भी मकान आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम नहीं आया न मकान बना। कौन सी पंचायत? हम ग्राम पंचायत लेंदा गोंदी, जनपद पंचायत पाटन का, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कितने लोग, कितने घर की बस्ती है? हमारी 60 घर की बस्ती है साहब, और मोरगोंदी 150 घर की बस्ती है। जिसमें BPL धारक कितने होंगे करीब? BPL धारक कम से कम साहब चार गांव में 1300-1400 है। 1300-1400 ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास भूमि नहीं होगी? भूमि बहुत नहीं, जैसी कम है साहब, किसी पास 2 एकड़, 1.5 एकड़, 1 एकड़ ऐसी है कुछ। बाकी 2 गाँव में नाम आ गया, मालापुर और लेंदा गोंदी, बाकी मोरगोंदी गाय कुछ छूट गई। जनपद में शिकायत नहीं की सर, बाकी हमने वो फोटो निकाल के भेजे मोबाइल के द्वारा, हर घर की फोटो निकाल। सरपंच कौन है आपका जी? सरपंच कौन? सरपंच हमारे ये सरपंच फोटो निकाल के संभाजी अरुणा संभाजी उइके। आर्य विद्यापीठ नामक स्कूल अचानक बंद कर दिए जाने से स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य अधर में है। क्षेत्रवासियों व अभिभावकों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर स्कूल पुनः प्रारंभ करने की मांग रखी है। क्लास में बच्चों थर्ड में कहाँ पढ़ते थे? आया विद्यापीठ। यहाँ किस लिए आए? स्कूल बंद हो गया। कहाँ पढ़ते? आर्य विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम स्कूल। यहाँ क्यों आया आप लोग? हमारे स्कूल बंद हो गया है। क्यों बंद कर दिए? पता नहीं। पहले से बताए थे क्या? नहीं। कितने बच्चे पढ़ते थे? बहुत सारे। देवरे कॉलोनी, और हमारा स्कूल बंद हो रहा है, और बच्चे मतलब गरीबी रेखा में पढ़ते हैं, और स्कूल बंद किया जा रहा है बिना अचानक। और अब बच्चों को हम कहाँ पढ़ाएंगे? हमारे लिए समस्या हो गई, हमारे बच्चे गरीबी रेखा में पढ़ते हैं, हमारी समस्या ये हो गई है कि हम बच्चों को अब आगे कहाँ पढ़ाएं, हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पहले से कोई सूचना दी है? कोई भी सूचना दी गई है, स्कूल वाले कह रहे हैं कि आप अपनी व्यवस्था कर। मैंने स्कूल में लग गया पुस्तक अभी लेके आया, यूनिफॉर्म पुस्तक कॉपी सभी खरीद चुके। एक महीने स्कूल लगा था, स्कूल गया है बच्चा एक महीने, और अभी कल स्कूल में बुलाया गया और बोल दिए कि ये स्कूल मतलब हम बंद कर रहे हैं, आगे बड़ी क्लास नहीं खोल रहे हैं, KG 2 तक स्कूल खोल रहे हैं बस। पाटाठाना के निवासियों ने क्षेत्र में लगाए जा रहे टेलीफोन टावर का विरोध किया है। क्षेत्रवासियों ने ज्ञापन सौंप कर अपनी मांग रखी। वहाँ पे ये प्राइवेट मकान टावर लग रहा है, उसके लिए कमीशन साहब से बात की 19 तारीख पे, और आवेदन भी दे दिए तुमने? अरे भी आवेदन नेहा मैडम चेक करने भी गई थी, ठीक है ना,
और उन्होंने उसको बोल के भी आ गए थे इंजीनियर जो ठेकेदार थे कि आप काम मत कर सकते। सर से भी बात हुई, सर बोले अपन उसकी जो वो परमिशन मिली निरस्त कर देते थे, ठीक है ना। बीच में परसों दिन सर से बातचीत हुई मेरी और बासन साहब से कंटिन्यू बातचीत चल रही है, उसका काम चालू। आज टैंकर भी आ गया और उसकी मशीन भी आ गई टावर का, हाँ। तो लगा ही रहा मतलब तुम मेरे को निरस्ती का आदेश दे दो तो मैं काम बंद कर देता हूँ। मेरे को फाइल आगे बढ़ नहीं रही है अपनी। ठीक है, मैं क्या क्योंकि अभी मेरी दुनिया में तो जी आप बाहर अच्छा कर लेते जी। लेकिन सर आज की डेट में जरूरी है, यदि टावर खड़ा हो जाएगा तो बाकी दिक्कत है ना। तो हम ये चाह रहे थे आप दो इंजीनियर साहब पहुंचा के या कोई भी जाके निरीक्षण कर ले और आज काम बंद करा दे। आपकी जाँच होगी, वार्ड क्रमांक 38 देवधाम मंदिर कॉलोनी के जनता जनार्दन के साथ में हम यहाँ पर आवेदन देने हुए आए थे। देवधाम मंदिर के पास में एक निजी मकान में एयरटेल कंपनी का टावर लग रहा है, जिसके लिए 19 तारीख को नगर निगम कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया गया। इंजीनियर मैडम ने जाके चेक की और उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। टावर वाला जो है इंजीनियर और ठेकेदार सब लोग मिलकर टावर का काम तीव्र गति से कर रहे हैं, तो हम इस मांग को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए थे कि वहाँ पर जनता जनार्दन की भावनाओं को देखते हुए और टावर लगने के जो दुष्परिणाम होते हैं उससे बचने के लिए हम सबका निवेदन है, कमिश्नर साहब से हम मांग कर रहे हैं कि वहाँ टावर वहाँ से हटाकर अन्य जगह पर लगाया जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। न पार्षद से परमिशन ली गई और न क्षेत्रवासियों किसी से परमिशन ली गई है और निगम के द्वारा उस कंपनी को वैसी परमिशन दी गई है। जैसे किसी भी धार्मिक संस्था में किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए डीजे वगैरह के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है, परंतु इतने बड़े टावर लग रहा है वहाँ पे वशीगत रहने के बाद में भी किसी भी वहाँ के निवासी से परमिशन मतलब न साइन कराया गया न परमिशन पूछा गया। और इसके उपरांत हमने यहाँ पे जो आवेदन दिए उसका भी निराकरण नहीं किया गया और वहाँ पे जो काम तीव्र गति से चालू है उसे तुरंत रुकवाया जाए। हम लोग वार्ड नंबर 38 से बोल रहे हैं, यहाँ पे टावर का कार्य चालू हो गया है जो कि इन्हें किसी भी रहने वाले उनसे परमिशन नहीं ली, जो आगे भविष्य के लिए बच्चों के लिए खतरनाक है, इसलिए ये टावर दूर लगना चाहिए। हमें उसे लगवाने से कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये नुकसानदायक है, इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि यहाँ पे ना लगे, कहीं दूरी में लगे। बिछुआ खमार पानी के पास सड़क दुर्घटना में दो बाइक आपस में टकरा जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि एक घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है। घटना कहाँ पे हुई, क्या हुआ? घटना खमरा के नाले के बाजू में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी से गाड़ी के कारण टू व्हीलर से टू व्हीलर हाँ टू व्हीलर से टू व्हीलर। तो कितने लोग घायल हुए? इसके साथ जो दो लोग थे जो थे एक स्पार्ट चला गया, सामने वाली गाड़ी में सिंगल था वो भी स्पार्ट टकरा गया। तो कहाँ जा रहे थे? जी एक टिघरा से आ रहे थे, डोगली जा रहे थे, वो अंदर जो था बिछुआ का था वो पिंडरी आ रहा था। तो रहने वाले कहाँ थे? छोटा बाजार श्री राम मंदिर में प्रारंभ श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग लाभ अर्जित कर रहे हैं। कथा का आज दूसरा दिन था कि यहाँ कोई उच्चारण हो गया तो ऊपर की तरफ देखे तो भगवान शंकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी तीनों की तीनों छिप गए कि कहीं अपनी पत्नी देख ना दे कि ये कैसे नाच रहे हैं। अब जब भगवान शंकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों की तीनों जैसे ही पहुंचते हैं, अब तीनों की तीनों देवियों ने कहा तुम एक काम करो, अब जाकर के हमारी बात मान करके उसके साथ छल करो, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। ऐसा ये तीनों की तीनों देवता महात्मा मान बनकर के माता अनुसुईया के यहाँ गए और माता अनुसुईया के यहाँ जाकर के तीनों की तीनों जो देवता है
वो जैसे पहुंचते हैं तीनों की तीनों देवता सती अनुसुईया माँ उस समय पर बैठ करके भजन कर रहे थे। तीनों ने आवाज लगाया भिक्षां देहि। कुसमेले स्थित हनुमान मंदिर में आज पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया और जिले के सांसद नकुलनाथ की सुमंगल की कामना की गई। तुलसीपति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे यूनियन जिंदाबाद। किसान यूनियन जिंदाबाद। निकलते आ रहे हैं भैया। आगे तो रहते हैं इनकी बोले आज कृषि उपज मंडी के हनुमान मंदिर अन्नपूर्णा मंदिर में अन्नपूर्णा हनुमान मंदिर में श्री सांसद नकुलनाथ जी के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हनुमान जी की प्रार्थना की गई और यहाँ पे भंडारे का प्रबंध किया गया और सभी हमाल भाई और किसान भाइयों ने नकुलनाथ जी के दीर्घायु होने की और कमलनाथ जी के दीर्घायु रहने की प्रार्थना की गई। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत कर बचाई मजदूर की जान। 32 घंटों का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन। तामी पिपरिया रोड पर भीषण सड़क हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 30 घायल। गंभीर रूप से घायल आज जिला अस्पताल लाए गए। डीजीपी वीके सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की पुलिस अधिकारियों से चर्चा। समीक्षा कर दिए निर्देश। और गलत बिजली बिलों में हो सकेगा सुधार। मुख्यमंत्री की मंशानुसार समाधान शिविरों के आयोजन का क्रम प्रारंभ। इस बुलेटिन में खबरों का ऐसा फनाव फिलहाल यही तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लीजिए अनुमति। नमस्कार।